हेलो दोस्तों, इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ फोन्स आए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं Realme 1 अभी आने वाला है। अभी उसकी जो देखिए किस दिन जो है लोगों को ये खरीदने को मिलता है, ये Amazon पे उपलब्ध होगा। और एक फोन और है जो Asus का प्रो M1 है, और जो एक नोट 5 प्रो जो काफी पॉपुलर फोन है। तो मैं आपको बता दूं नोट 5 प्रो और Asus का जो प्रो M1 है उसमें जो है स्नैपड्रैगन 636 दिया गया है, और जो Realme 1 है उसमें जो है हेलियो P60 दिया गया है। तो आइए हम हेलियो P60 वर्सेस जो है स्नैपड्रैगन 636 का कंपैरिजन देखते हैं कि कहां पे टिकता है हेलियो P60। तो पहले मैं आपको बता दूं हेलियो P60 जो है वो जो पिछले उसका वर्जन था हेलियो P23 उससे 70% मतलब मैं आपको बता दूं 70% फास्टर है और इफिशियंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आती है, मैं आपको बता दूं आर्किटेक्चर जो है स्नैपड्रैगन 636 का वो क्रायो पे जो 800 सीरीज में यूज किया था, तो ये काफी पावरफुल आर्किटेक्चर है। और मैं आपको वही बता दूं अगर हेलियो P60 की तो उसकी आर्किटेक्चर है जो है कोर्टेक्स A53 पे है 4 कोर, और 4 कोर कोर्टेक्स A73 पे है। लेकिन इसकी जो 8X है पूरी कोर सी जो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है, और जो P60 वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है। तो ये थी आर्किटेक्चर। और मैं आपको बता दूं रैम फ्रीक्वेंसी जो है 1800 MHz, आपकी पीसी की रैम आप कभी भी खरीदने जाते होंगे तो आप देखते होंगे आपकी बोर्ड है कितने तक सपोर्ट करती है, तो ये बोर्ड है चिप कितने तक सपोर्ट करता है। तो मैं बता दूं आपको 1800 MHz तक जो है P60 सपोर्ट करता है, और 1333 MHz जो है स्नैपड्रैगन 636 सपोर्ट करता है। और क्विक चार्जिंग सारे सपोर्ट करते हैं, स्नैपड्रैगन 636 भी सपोर्ट करता है और हेलियो P60 भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 636 है वो क्वालकॉम 3.0 सपोर्ट करता है, और हेलियो का जो है अपना है। तो अब मैं बता दूं प्रोसेसिंग मतलब कितने नैनोमीटर पे बेस है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे जो स्नैपड्रैगन 636 मतलब पीछे चला जाता है, और रैम फ्रीक्वेंसी में भी सीधे पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे जो है 12 नैनोमीटर पे है, फिट फिल्म 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जो कि 14 नैनोमीटर से 15% जो एफिशिएंट है जो हेलियो P60 है, और जो स्नैपड्रैगन 636 है वो 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब हम लोग बात करते हैं AI कैपेबिलिटी पे, तो मैं आपको बता दूं 280 ऐसे कुछ करके AI दिया गया है इसमें हेलियो P60 में, जो आपकी सारी चीजों पे मतलब ध्यान रखता है, आपके कैमरे पे ध्यान रखता है, आपकी बैटरी पे ध्यान रखता है, आपकी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखता है, मतलब आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी या आपकी नॉर्मल परफॉर्मेंस होगी वो आपको मक्खन की तरह मिलेगा, आपको कोई लैग है नहीं मिलेगा। AI वैसे लोग देखते हैं कैमरे में सिर्फ देते हैं, लेकिन ये पूरी जो AI चिप है वो पहली दफा जो हॉनर ने बनाई थी, उसकी जो किरिल 970 जो पहली चिप है जो हॉनर ने इन्वेंट की थी, उसके बाद जो है सारे जो कैमरे में देना स्टार्ट कर दिए। तो वही अगर मैं स्नैपड्रैगन 636 की बात करूं तो इसमें सिर्फ कैमरे में AI दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कुछ फोन्स में, सारे फोन्स में AI नहीं दिया जा रहा है। जो अगली चीज है वो है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में जो है हेलियो P60 जो है स्नैपड्रैगन 636 से काफी ऊपर है, क्योंकि जो इसकी बेंचमार्क है वो 130,000 से 135,000 के बीच में है, और जो स्नैपड्रैगन 636 है उसकी जो बेंचमार्क है वो है लगभग 110,000 से लेकर 115,000 के बीच में, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। और मैं आपको बता दूं स्नैपड्रैगन 660 जो है उसकी जो बेंचमार्क है वो भी 130,000 से 135,000 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 660 की टक्कर का ये चिप है। और जो मैंने रैम फ्रीक्वेंसी बताई वो 1800 MHz जो है P60 की है, तो 1833 MHz जो है स्नैपड्रैगन 660 की है, तो काफी आपको डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन तो मैंने आपको जैसे बताया कि 50% जो है 14 नैनोमीटर से ये पावर एफिशिएंट ज्यादा है, और अगर मैं 12 नैनोमीटर से कंपेयर करूं स्नैपड्रैगन 636 तो इसकी कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा है। अब ये बात आती है डुअल 4G सपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं सारे डुअल 4G सपोर्ट हैं, दोनों में कुछ फोन देते हैं कुछ फोन नहीं देते हैं, जैसे Asus के फोन है उसमें आपको दोनों में मिलेगा, जो हेलियो P60 है जो Realme 1 है उसमें भी आपको दोनों में ही ये सपोर्ट मिलेगा, दोनों से मतलब सिम में एक साथ आप 4G वोल्टी आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहली बार जो ये लाया था दोनों सिम में एक साथ 4G वोल्टी वो था Honor View 10, तो उसने ये टेक्नोलॉजी लाई थी, उसके बाद जो है सारे इस पे जो है कॉपी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर मैं बता दूं कैमरा सपोर्ट जो है स्नैपड्रैगन 636 जो है वो 32 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, और जो P60 है भी 32 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, और जो डिस्प्ले है वो दोनों फुल HD तक सपोर्ट करते हैं, और स्नैपड्रैगन 636 भी फुल HD तक सपोर्ट करता है, या अगर 660 दिखा रहे हैं इसमें लीड कर जाता है वो क्वाड HD तक सपोर्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें हैं। और
देखिए अगर मैं जीपीयू की बात करूं तो एड्रिनो माना जाता है कि स्नैपड्रैगन का जो एड्रिनो 506 509 5012 ये पावरफुल है। एड्रिनो काफी पावरफुल होता है। अगर मैं बात करूं माली के कंपैरिजन तो माली G72 दिया गया है जो पिछले चिप से 70% फास्टर है गेम परफॉर्मेंस में, और जितनी आप हाई परफॉर्मेंस करेंगे उतनी ही लो आपकी कंजम्पशन होगी, ये दिया गया है माली G72 में। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है मैं आपको बता दूं, और इसमें एक चीज दिया गया मैं आपको बता दूं, मैंने उसे लिखा हुआ है मुझे ध्यान नहीं है, वो है कोर पायलट 4.0। तो ये क्या करेगा आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और जो कंजम्पशन है उसको भी लो करेगा। तो ये खासियत है कोर पायलट 4.0 की जो मीडिया टेक प्रोसेसर ने इस्तेमाल किया है हेलियो P60 में, और ये जो हेलियो P23 है उससे 70% ज्यादा फास्टर है। तो मैं आपको बता दूं बेंचमार्क सीधे तौर पे 130,000 है जो हेलियो P60 का, और जो स्नैपड्रैगन 636 है उसका 112,000 के आसपास है, और जो 660 है उसका भी 130,000 और 32,000 के आसपास है। तो ये आप देखिए कौन सी बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं हेलियो P60 परफॉर्मेंस वाइज भी आप जाइए यूट्यूब पे, आप सर्च कर लीजिए हेलियो P60 की परफॉर्मेंस, जो ओप्पो F7 है मैं आपको बता दूं ये सिंगल कोर आप देख लीजिए कितना अंतर है, मल्टी कोर पे भी आप देख लीजिए कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं, और जो 3D रेंडरिंग मतलब जब आप गेम खेलते हैं तो आप देखते होंगे जो ग्राफिक्स आपकी चलती है वो कितनी तेजी से कितनी स्मूथ है, फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो है P60 जो है सारे लोगों को मतलब फेल कर देता है, यहाँ तक कि मल्टी कोर में जो स्नैपड्रैगन 660 भी जो है पीछे चले जाते हैं। तो ये देखिए हेलियो P60 काफी ज्यादा पावरफुल चिप है, अगर आप 17-18,000 तक जाते हैं तब भी ऐसा चिप आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं अगर हाई परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज आपको लेना है तो Realme 1 लीजिए, अगर आपको एवरेज फोन चाहिए तो प्रो M1 लीजिए Asus का Pro M1 जी हाँ, और अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, कैमरा अगर आप देख रहे हैं तो आप नोट 5 प्रो मत लीजिए, रुक जाइए MIA2 आने वाला है, जी हाँ MIA2 आने वाला है, उस पर आप देखिए आपको जो है और ही शानदार कैमरा मिलेगा। तो MIA2 का आप वेट करें, और एंड्रॉइड 1 डिवाइस है तो इसमें आप कोई लफड़ाई नहीं है कि आपके जो फोन से कुछ आपके फोन के साथ तो खिलवाड़ किया जाएगा, आपको धोखे में रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर बैटरी सेंट्रिक आपको चाहिए तो आपके पास Pro M1 है Asus का, 5000 mAh की बैटरी है जी हाँ। तो ये सारी चीजें, तो उम्मीद आप समझ पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर सही है। ये Realme 1 एकदम से फाड़ के रख दिया है सबको जी हाँ, क्योंकि 9000 में आप 13000 में आपको ऐसा फोन नहीं मिलेगा जी हाँ, बिल्कुल आपको एकदम फाड़ के रख दिया है। बहुत ही शानदार चीप है, ये AI है, AI की एक मैं आपको AI की एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने किचन में आप कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे आपका सामान इधर उधर हो गया, आप मतलब आप सब्जी में नमक डाले या दाल में नमक डाले तो मतलब सामान इधर उधर हो गया, आप जब किचन से बाहर आए फिर आप जाके अंदर देखे कि सारा का सारा जैसे पहले रखा था सीक्वेंस वाइज वैसे फिर से रख गया, मतलब सजा दिया गया है। यही AI काम करता है चिप में जो P60 में, तो आपकी बैटरी एकदम जबरदस्त चलेगी, 3400 mAh के बाद भी जो बैटरी आपका 2 दिन चली जाती है। तो किस बेस पे आप AI की ही बेस पे चली जाती है, जैसे आपको मैं बता दूं V10 है वो AI के बेस पे बैटरी उसकी 3700 mAh की है लेकिन चलती है 4500 के आसपास। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो काफी बेहतरीन है और इफिशियंट है। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप जो है हेलियो P60 के लिए जाइए, परफॉर्मेंस वाइज कैमरा वाइज लेना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि हेलियो P60 जल्द ही कैमरा सेंट्रिक फोन भी इसी चिप के साथ आने वाला है। तो तैयार रहिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें जी, शुक्रिया।